नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हमारे साथ धनराज बंसल जी मौजूद हैं, जो गुरुग्राम विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं विधायक के लिए, ये तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। धनराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ग्राउंड न्यूज़ में। तो सर नमस्कार, ग्राउंड न्यूज़ के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम। अभी आप जिससे विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके हिसाब से गुरुग्राम की मुख्य समस्या क्या है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, जो यहाँ इधर की समस्या है? देखिए, गुरुग्राम जो कि देश का सर्वाधिक टैक्स देने वाला ज़िला है, यहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं ही मिसिंग हैं। यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है, पिछले 2-2.5 महीने से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, गंदगी फैली हुई है जगह जगह, यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, यहाँ पर अच्छे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। ठीक है, इतना अधिक टैक्स देने के बावजूद आईटी के सेक्टर में ये शहर देश का शायद नंबर वन शहर हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ना यहाँ पे ढंग के कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कुछ और है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर मेट्रो का एक्सटेंशन नहीं हो पाया पिछले 9 साल में। खट्टर सरकार ने सपने ही सपने दिखाए हैं, यहाँ पर हर थोड़े दिन बाद, हर 3-6 महीने बाद रिपोर्ट आ जाती है, मीडिया में छप जाता है, DPR बन रही है जी, DPR बन रही है, DPR बन रही है। क्या 9-10 साल DPR बनने में लगते हैं? यहाँ पर पास में खिड़की दौलत टोल पिछले 6-7 साल से मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय राष्ट्रीय सड़क परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट रोड मिनिस्टर, NHAI से एसोसिएटेड मिनिस्टर हैं गडकरी जी, सपने ही सपने दिखा रहे हैं कि टोल को हटा दिया जाएगा। एक तरफ पंजाब सरकार है जिसने 10 से अधिक टोल को हटाया है, यहाँ पर इनसे हट नहीं रहा, तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बेसिक सुविधाएँ नहीं है। अभी आपने समस्याओं की बात की, अगर गुड़गांव की समस्या की हम बात करें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरप्राइज विजिट किया था सफाई को लेकर, जो अभी यहाँ के मुख्य मुद्दा है, और कुछ अधिकारियों पे उन्होंने जुर्माना भी लगाया था, तो आपको क्या लगता है इससे समस्या का हल हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो सरप्राइज विजिट, सो कॉल्ड सरप्राइज विजिट हुई 21 तारीख को, उसके हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, अगर 2 दिन पहले जाएँ, 19 और 20 तारीख को गुड़गांव से होकर आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा निकली, और उस बदलाव यात्रा में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उसमें आई हुई भीड़ को देखकर, उसमें मिले जन आशीर्वाद को देखकर मुख्यमंत्री का सिंहासन हिल गया, उनको चिंता सताने लगी कि ये क्या हो गया। जहां वो कुछ कर नहीं रहे थे, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, तो उस हमारी बदलाव यात्रा ने उनको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम किया, और मुख्यमंत्री को चिंता हुई और उन्होंने सरप्राइज विजिट की नौटंकी की। मैं इसको नौटंकी इसलिए कह रहा हूँ कि इससे क्या कुछ धरातल पर, ग्राउंड पर चेंज आया क्या? उस विजिट को 21 तारीख को हुई थी, आज 5 दिन हो गए हैं, क्या कुछ धरातल पर बदलाव दिखा? क्या किया उन्होंने उस विजिट पर? एक सफाई इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर पर जुर्माना लगाया, कितने? 10 रुपये जुर्माना लगाया। 10 रुपये जुर्माना लगाने से क्या कुछ होगा? लेकिन कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की 15 दिन और 1 महीने की सैलरी भी डिडक्ट हुआ था। ठीक है, कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर पर, लेकिन फिर भी देखिएगा क्या ग्राउंड पर चेंजेस दिखाई देंगे, क्या सफाई कौन करता है? सफाई करने में इन्वॉल्वमेंट, योगदान जो है सफाई कर्मचारियों का है। 3480 सफाई कर्मचारियों को इन्होंने निकाल दिया, पिछले 2-2.5 महीने से वो हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मुख्यमंत्री को उस दिन उनके पास नहीं जाना चाहिए था? क्या उनकी मांगे नहीं माननी चाहिए थी? उनके पास जाते, उनकी समस्याएं सुनते, उनका समाधान करते, ऐसा होना चाहिए ना। अभी आप उसकी जड़ पे जाएं, रूट की प्रॉब्लम की, समस्या की जड़ तक जाएं, रूट को एनालिसिस करें और फिर समाधान करें। ऐसा ये जो मिमिक्री है, जो दिखावा है, जो बयानबाजी, लिप सर्विस से कुछ होने वाला नहीं। अभी आपने सफाई कर्मचारी की समस्या की बात की, 3480 सफाई कर्मचारी को हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से, तो आप भी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तो क्या ये 3480 कर्मचारी को फिर से बहाल किया जाएगा? क्या इन्हें पहले की तरह फिर से सुविधा मिलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी समाज के कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, हर दबे कुचले
अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का लोगों से जुड़ी ही पार्टी है, ये कोई धनाढ्य लोगों की या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करने वाली, दो टॉप के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी तो है नहीं। ठीक है, हम तो जुड़े हुए हैं जी लोगों से। हम जब ये 3480 हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन बंधु सफाई पर हड़ताल पर बैठे हैं, हर कुछ दिन बाद हम लोग जाते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद कई बार गया हूँ, उनके मांगों को हमने समर्थन दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भी उनकी डिमांड को सपोर्ट करने के लिए, उनका बातों को सपोर्ट करने के लिए उनके धरने पर गए हैं। हमने कहा है कि जैसे सफाई कर्मचारियों की मांगों को दिल्ली में पूरा किया जा रहा है, नगर निगम में हमारी सरकार आते ही उनकी सैलरी जो कि कभी पहले 1 तारीख को कभी नहीं आई थी, टाइम से कभी नहीं आई थी, उसको हमने ठीक कर दिया गया। 5,000 सफाई कर्मचारियों का पक्का कर रही है सरकार, दिल्ली की नगर निगम सरकार, और वहाँ पर जो गटर साफ करने की व्यवस्था या जो सीवरेज का मैन होल वगैरह का करने का, वो रोबोट से किया जा रहा है, मशीनों से किया जा रहा है। वहाँ पर काफ़ी हादसे हो जाते थे, उनको रोकने का हम काम कर रहे हैं। तो हम जो वहाँ दिल्ली में बेसिक मिनिमम वेज हरियाणा से कहीं अधिक है, ठीक है, तो हम वो दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, और जो काम हम दिल्ली और पंजाब में करके दिखा रहे हैं वो हम हरियाणा में भी करेंगे। और हमने कहा है कि इनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, इनको पक्का किया जाना चाहिए, जैसे दिल्ली में पक्का किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों को, वैसे ही हरियाणा में भी होना चाहिए। या तो ये सरकार कर दे, नहीं तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और बनते ही पहले कुछ महीनों में इनकी सभी जायज़ मांगों को पूरा करेंगे, ये हमारा इनसे वायदा है, जनता से प्रॉमिस। तो अभी जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, 3480 कर्मचारी है, उन्हें सरकार ने हटा दिया है, आपने कहा कि जायज़ मांगों को पूरा करेंगे, तो उनकी मांग में कुछ अलग भी है या कि सारी की सारी मांग आपको लगता है जायज़ है? आप जानना चाहें सारी मांगे जायज़ है, उनको पक्का किया जाना चाहिए, ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा में DC रेट जो है काफ़ी कम है, जबकि दिल्ली में मिनिमम वेज या जो इनको सफाई कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वो यहाँ से कहीं अधिक है। दूसरी तरफ दिल्ली में खर्चे कम है, दिल्ली में जो आम मध्यम वर्गीय या कमज़ोर वर्ग का परिवार है उनको बिजली फ्री में मिल जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के नाम पर उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं करना पड़ता। तो जब आपके खर्चे ही 5-7 हज़ार रुपये महीने के खर्चे कम होते हैं, एक छोटे अगर आप मानिए कि एक सफाई कर्मचारी है, उनकी धर्मपत्नी होंगी, उनके 2 बच्चे हों, अगर 4 लोगों का परिवार है या उनके माता पिता भी है, 4 से 6 लोगों का परिवार अगर है, और उनमें जब आप बात करेंगे कि आपको शिक्षा पे कुछ नहीं खर्च करना, आपको स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करना, आपकी बिजली फ्री है, आपका पानी फ्री है, ये सारे खर्चे आपके काफ़ी कम हो गए, आपको सैलरी गुड़गांव से 3-4 हज़ार रुपये अधिक मिल रही है या काफ़ी अधिक मिल रही है, तो आपकी बचत बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ जितनी सैलरी, जितनी ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सैलरी गुड़गांव में सफाई कर्मचारी को मिलती है, उनका जीवन यापन करना, उनका गुजारना करना बहुत मुश्किल है। अभी तो, आपने तमाम तरह की समस्याओं की बात करा, सफाई कर्मचारी की समस्याओं की भी बात किया, और हाल ही में आपने बदलाव यात्रा निकाला था गुरुग्राम में, और हरियाणा का विधानसभा भी निकाल रहे हैं, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, बदलाव यात्रा जो पार्टी की है वो प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरी है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इसमें हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मिला है। जगह जगह जनता ने स्वागत किया हमारे नेताओं का, साथ जुड़े ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए, और इन पूरे 10 दिन में प्रदेश में जश्न जैसा माहौल था, त्यौहार जैसा माहौल था। इसको देखते हुए लगता है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है, आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है। जनता वर्तमान सरकार से तृप्त है, तंग है, वो ऑप्शन तलाश रही थी कि कोई बेहतर ऑप्शन आए, बेहतर विकल्प आए। कांग्रेस पार्टी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं, 25 साल से अधिक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 10 साल BJP को हैं, क्षेत्रीय पार्टियां चौटाला परिवार या इन लोगों को भी देख चुके, सबको देख चुकी है जनता। और दूसरी तरफ जब जनता देखती है कि पंजाब और दिल्ली में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो अब जनता ने मन बना लिया है, जनता को ये भी लगता है कि ये सीरियसली लगे हुए हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ेंगे, और अब उनके पास एकमात्र विकल्प जो है, बेटर ऑप्शन जो है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता की आवाज़ बनेगी, और हमें आशीर्वाद मिलेगा,
जो आशीर्वाद जो रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिला है उसको देखते हुए भाजपा के रिस्पॉन्स भी आप समझिए। कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी से सावधान रहें, तो सबसे ज़्यादा सावधान जो रहने को जरूरत है, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से घबराई हुई है, वो है वर्तमान सरकार या वर्तमान रूलिंग पार्टी। वो हुआ, उसके बाद जब 19 और 20 को गुड़गांव से यात्रा होकर गुजरी और जिस हिसाब का रिस्पॉन्स मिला, ढाई महीने से अधिक समय से समस्या थी यहाँ पे साफ सफाई की समस्या, मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, उनको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम बदलाव यात्रा ने किया है। ठीक है, ये सब हमारी यात्रा की सफलता के पैमाने हैं, ये दिखाते हैं कि कितनी सफल ये यात्रा रही है। और इससे हमें पक्का विश्वास है कि जनता हमें मैंडेट देगी, और जो जोश जो उत्साह जो खुशी पंजाब में होती थी उससे कई गुना रिस्पॉन्स हमें हरियाणा में मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो ये थे बदलाव यात्रा के बाद उत्साहित दिख रहे हैं। ये हमारे साथ धनराज बंसल जी मौजूद थे और इन्होंने तमाम तरह के मुद्दाओं पे हमसे विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी। धन्यवाद।